Hey guys and welcome back to Immortal Hulk. पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हल्क और मैगी बिलो प्लेस में लीडर के पास पहुंच चुके हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब की बार लीडर का सामना करना कैसे है। वहीं फैंटास्टिक फोर की टीम फिर से वो पोर्टल खोलने की कोशिश कर रही है। अब आगे सैमुअल अपने भाई रॉबर्ट को गामा रेडिएशन के बारे में बता रहा है। ये बिल्कुल सिंपल है रॉबर्ट, मैं इस रेडियम को इस प्लेट के ऊपर रखूंगा जिससे कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हट जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि गामा नहीं हटेगा। यह रेडियम इस प्लेट के ऊपर अपनी एक छाप छोड़ेगा जिससे कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी कुछ थ्योरीज सही साबित होंगी। ये बिल्कुल एक्सरे की तरह है। हालांकि एक और चीज़ है रॉबर्ट, मुझे बताया गया है कि तुम इससे एक इंसान के अंदर भी देख सकते हो, रॉबर्ट ने कहा। सैमुअल, बेट्रिस ने तुम्हारे लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। गाइस, बेट्रिस रॉबर्ट की बीवी है, सैमुअल कहता है। अच्छा, ये तो उसने बहुत अच्छा किया, मेरी तरफ से उसे शुक्रिया बोलना, रॉबर्ट ने पीछे से एक हथियार निकालते हुए कहा। लगता है मुझे कहना ही पड़ेगा, हालांकि मुझे लगता है कि अगर मैं उसे इस तरीके से थैंक्स बोलूंगा तो इतना अच्छा महसूस नहीं होगा जितना कि उसने तुम्हें खुद पिछली बार थैंक्स बोला था। हाँ सैमुअल, मैं एक इंसान के आर पार देख सकता हूँ, तब भी जब उसे लगता है कि मैं अंधा हूँ, सैमुअल ने कहा। रॉबर्ट, मेरी बात तो समझो। लेकिन तब तक रॉबर्ट सैमुअल का सिर फोड़ देता है। गाइज, रॉबर्ट को लग रहा है कि इन दोनों का कुछ चक्कर चल रहा है। इधर बिलो प्लेस के अंदर रेड हल्क उस बिल्डिंग का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है जो कि लीडर ने बनाई है, मैगी ने कहा। क्या तुम्हें लगता है इससे काम बन जाएगा? सिर्फ दरवाजा खड़खड़ाने से दरवाजा नहीं खुलेगा, रेड हल्क कहता है। वैसे भी कोई जवाब नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है कि उसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो। ये दरवाजा टूट भी तो नहीं रहा, ये जिस किसी भी चीज से बना है मुझसे ज्यादा ताकतवर है, हल्क कहता है। हल्क कोशिश करेगा, रेड हल्क ने कहा, करके देख लो। फिर वो मैगी से बात करने लगता है। मुझे नहीं लगता कि उसे पता भी है कि हम यहाँ पे हैं। ये चीज, ये वो नहीं है, ये तो बस एक शेल या फिर एक ककून है। वो तो इस चीज के अंदर है, बैनर का इस्तेमाल कर रहा है, और हम उसके गामा सर्किट का एक हिस्सा है, उसी के प्लान का एक हिस्सा। वो पिछली बार कह रहा था वो हम लोगों को पागल हल्क्स में कन्वर्ट कर देगा, तब हम हर जगह तबाही मचाते फिरेंगे और इससे वो और भी ताकतवर हो जाएगा। तो जब मैं पागल हो जाऊंगा तो फिर क्या होगा? मैं बहुत सारी चीजें तोड़ूंगा और हर किसी को गुस्सा दिला दूंगा, लोग मुझे देखते ही गुस्सा हो जाएंगे। मजाक की बात है ना, लीडर को हमें पागलों में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम हल्क हैं, हम पहले से ही मॉन्स्टर्स हैं। वहीं हल्क दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अंदर से लीडर उसके दिमाग में बात कर रहा है। देखो मैंने तुम्हें कितने कंट्रोल में कर रखा है, ये तुम्हारा तोहफा है, मुझे तुम पसंद हो बेवकूफ, बेवकूफ बच्चे, हल्क को गुस्सा आ जाता है। वो कहता चुप हो जाओ, हल्क स्टूपिड नहीं है। इस गुस्से की वजह से हल्क वो दरवाजा तोड़ चुका है, लेकिन साथ ही उसका हाथ भी टूट जाता है। ये देखकर रेड हल्क चौंक गया। हल्क कहता है, हल्क को सिर्फ डैडी चाहिए, हल्क सिर्फ यही चाहता है कि डैडी उसे प्यार करे, मैगी ने कहा। ये भगवान, तुम्हारा हाथ, क्या यहाँ पे तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा? जबकि हल्क कह रहा है, हल्क स्टूपिड नहीं है, हल्क मॉन्स्टर नहीं है। मैगी को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है। इतने में ही बैनर का डैड वहाँ आ पहुँचा। मैं जानता था तुम एक मॉन्स्टर थे, लेकिन अब मैं और कहीं नहीं जाऊँगा, मैं किसी और की तरफ नहीं देखूँगा, प्लीज़ मेरी मदद करो। हल्क अपने डैड की मदद करना चाहता है, लेकिन रेड हल्क ने उसे रोक लिया। वो तुम्हारा डैड नहीं है बच्चे, ये एक जाल है, शांत हो जाओ, हल्क कहता है। हल्क शांत रहकर पक चुका है, मैंने बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं करूंगा। अब हल्क स्मैश करेगा। लेकिन जैसे ही हल्क अंदर झांकता है, उसे एक भूल भुलैया सी दिखाई देने लगी, जहां उसके जाने पहचाने कई सारे लोग थे, जहां उसकी वाइफ जारिला भी थी, जो कुछ कहती हुई आगे बढ़ती जा रही है। हल्क उससे बात करने की कोशिश करता है। जारिला, मैं हल्क हूँ, रुक जाओ, हल्क को दर्द हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तरफ देखो, प्लीज जारिला, हल्क को अकेला मत छोड़ो। हल्क उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ टूटकर हल्क के हाथ में आ चुका है। क्या हल्क ने जारिला को नुकसान पहुंचाया? लेकिन लग नहीं रहा कि जारिला को दर्द हो रहा है, उसने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं, और वो दरवाजा फिर से बंद हो चुका है, मुझे बाहर का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा,
शायद अगर हल्क सीढ़ियों के ऊपर चढ़े तो कुछ पता चले, लेकिन तभी सैमुअल वहां पे आया। रुक जाओ, तुम सब कुछ तबाह कर दोगे, जितनी भी मैंने मेहनत की है। हल्क पीछे मुड़कर देखता है। कौन? नहीं, हल्क तुम्हें जानता है, हल्क तुम्हारा चेहरा जानता है, बड़े सिर वाले आदमी का इंसानी स्वरूप, स्टर्न्स, सैमुअल ने कहा। रॉबर्ट, तुम्हें समझना होगा। तभी हल्क ने उसकी गुद्दी पकड़ ली। हल्क समझता है कि ये सब स्टर्न्स ने किया है, सब का सब। तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया, और इसके लिए हल्क स्मैश करेगा। वो स्टर्न्स की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है, और फिर हल्क ऊपर चढ़ेगा, जहरीला को ढूंढेगा, उसे वापस हल्क के पास लेकर आएगा, सभी को हल्क के पास लेकर आएगा। स्टर्न्स अब भी कह रहा है, रुक जाओ। और यही चीज़ हमें पास्ट में ले आती है, जहाँ रॉबर्ट और स्टर्न्स की लड़ाई चल रही है। स्टर्न्स कहता है, रुक जाओ भाई, ये इक्विपमेंट, तुम सब कुछ तबाह कर दोगे, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रॉबर्ट ने कहा, ओ, मैं तुम्हारी सारी दुनिया तबाह कर दूंगा, तुम्हारा प्यार तबाह कर दूंगा, तुम्हारी सारी मेहनत। स्टर्न्स कह रहे हैं, रॉबर्ट प्लीज, ये सैंपल, ये बहुत कीमती है। रॉबर्ट ने कहा, मेरे पास भी एक कीमती चीज थी, एक खुशी की लहर थी, एक ऐसी दुनिया में जिसने मुझे सिर्फ दर्द दिया, वो चीज़ मेरी थी, खुशी। सैमुअल, वही मेरे लिए सब कुछ था, सबसे मेहनती काम। सैमुअल अब भी उसे दया की भीख मांग रहा है, लेकिन रॉबर्ट नहीं रुकने वाला। बताओ मुझे, क्यों तुमने मेरी खुशी से भरी दुनिया तबाह क्यों कर दी, क्या कारण था, बताओ मुझे, बताओ क्यों। सैमुअल कहता है, हमने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन एनी मर चुकी थी, मेरा दिल टूटा हुआ था, मैं अकेला था रॉबर्ट, मैं अकेला था, और वो भी अकेली थी। ये कहके वो रोने लगा। उसने मुझे बताया था कि तुम कितने पत्थर दिल थे, कभी उसे प्यार नहीं जताते थे, तुम अंदर से कितने खाली खाली थे। ये सुनकर रॉबर्ट उसका गला दबोच लेता है। खोलो अपना मुंह, तुम्हारा ये महान काम तुम्ही को मुबारक। रॉबर्ट वो रेडियम सैमुअल के मुंह में डाल देता है। बताओ अब कौन फीलिंग शो नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ। इतना सब करने के बाद रॉबर्ट वहाँ से बाहर निकल जाता है। वहीं एक आदमी बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर घुसा आ रहा है। एक लेडी कहती है, बैक्स्टर बिल्डिंग में आपका स्वागत है, अभी आप फंटास्टिक फोर से नहीं मिल पाएंगे, एक इमरजेंसी आ चुकी है, क्या मैं आपका संदेश पहुंचा दूं? उस आदमी ने कहा, मैं हूं डॉक्टर वॉल्ट लैंगबोस्की, मैं ब्रूस बैनर का सबसे पुराना दोस्त हूँ, मैं शुरुआत से उसके साथ था, मुझे लगता है कि उन्हें मेरी ज़रूरत है। वहीं बिलो प्लेस के अंदर रेड अल्क दोबारा से बनी हुई दीवार तोड़ देता है। आखिरकार लगता है मैं जितना ज़्यादा गुस्सा होता जाता हूँ उतना ही ताकतवर हो जाता हूँ। मैगी पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें दीवार तोड़ी है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने अपने अगले शिकार के लिए अपना मुंह खोला है। रेड अल्क कहता है, मेरी फीलिंग्स को समझो, चीज़ों को तोड़ना मेरे लिए ज़रूरी है। तो फिर हम ऊपर चले क्या? तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कहता है, जो यंग के बाद, जो कि मेरा सबसे फेवरेट गोरिल्ला था, तुम मेरे सबसे फेवरेट बने। मैगी पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो? रेड अल्क ने कहा, माइक बेरेंगेटी, ये लॉस वेगस के अंदर कैसीनो का बॉस था। माइक कहता है, मुझे हमेशा से ही लॉस वेगस पसंद था सर। रेड अल्क ने कहा, माफ़ करना माइक, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैगी पूछती है, यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं, तुम जानते हो ये सब मरे हुए लोगों की आवाज़ें हैं? रेड अल्क ने कहा, मैं जानता हूँ, ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। उसे लोगों को याद दिलाना पसंद है, लॉस वेगस, मुझे याद करके अच्छा लग रहा है। बाकियों की तरह माइक भी बातें करता हुआ ऊपर चला जाता है। रेड अल्क कहता है, माइक रुकोगे नहीं? चलो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैगी पूछती है, वो तुम्हारे लिए क्या था? रेड अल्क ने कहा, माइक मेरा बॉस था पुराने दिनों में, उसने मुझे मेरा नाम दिया था जो फिक्स इट, इसलिए मैं अब भी वो नाम इस्तेमाल करता हूँ, अब जबकि मैं हल्क बन चुका हूँ, क्योंकि वो नाम मेरे लिए एक तोहफा था। वो पहला इंसान था जिसे मेरे होने से कुछ फर्क पड़ता था, उसे मेरे भले बुरे की फिक्र थी। चलो छोड़ो, अगर मैं माइक से मिला हूँ तो ग्रीन हल्क उससे मिला होगा जिसकी उसे फिक्र है, और वो इतना बेवकूफ़ है कि सीढ़ियों पे चढ़ चुका होगा, और मैं भी इतना ही बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मुझे उसकी चिंता है। अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ मैगी। मैगी ने कहा, लगता है वो तुम्हारे डैड की तरह था। रेड अल्क कहता है, पता नहीं क्या लगता है क्या नहीं। मैगी ने पूछा, बताओ ना क्या हुआ था। रेड अल्क कहता है, बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी तबाही, ये सब मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मैंने भी नरमी नहीं बरती, इसलिए जब उसने मुझे दूर भेजा और मैं चला गया
बात ये है कि माइक के दुश्मन थे, सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मैंने बस उसके ताकतवर दुश्मनों को मारा था, इसलिए जब मैं वहाँ से गया मैं उसे अकेला छोड़कर गया। वेल, ये लॉस वेगास है। मैगी पूछती है, तुम ये कह रहे हो कि उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि तुम उसे छोड़कर चले गए और सब कुछ तबाह कर दिया, यानी कि उसमें सिर्फ मेरे फादर का हाथ नहीं था? रेडल कहता है, तैयार हो जाओ मैगी, हम ऊपर तक पहुँचने ही वाले हैं।